तो दोस्तों इस वीक की साइबर सिक्योरिटी अपडेट्स से स्टार्ट करते हैं। मेरे डिस्क्लेमर्स, मैं एक साइबर कंसल्टेंट हूँ। मेरे ये जो भी चैनल पे या पॉडकास्ट पे आप व्यू सुन रहे हो पर्सनल हैं, मेरे एम्प्लॉयर से कोई रिलेशन नहीं है और मैं किसी कंपनी प्रोडक्ट या सोर्स को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर। और सारे डेटा पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन से लिया गया है। द ऑब्जेक्टिव इज़ टू मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, तो अगर हम वॉरफेयर से स्टार्ट करते हैं तो जैसे आपको बताया रशिया और यूक्रेन के बीच में एक साइबर वॉरफेयर चल रहा है और मैंने पहले एपिसोड में कवर किया है कि किस तरह से नॉन स्टॉप वहाँ पर डिफरेंट टाइप की मैलवेयर्स सेंड किए जा रहे हैं यूक्रेन रशिया की तरफ, रशिया यूक्रेन की तरफ, और सिटीजन्स की सर्विसेज इम्पैक्टेड है, वेबसाइट्स इम्पैक्टेड हैं, इंटरनेट इम्पैक्टेड है। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प कर रही है यूक्रेन की ताकि उनका इंटरनेट अप रहे, उनके सिटीजन्स को दिक्कत ना हो। दोनों साइड से वॉरफेयर चल रहा है और हैकर्स कर रहे हैं काम। और इसी इसी सिलसिले को में क्या हुआ कि डीप फेक वीडियो आया यूक्रेन के प्रेसिडेंट का, जो कि सरेंडरिंग की बात कर रहे थे। डीप फेक वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे वीडियोस होते हैं जो एआई को यूज़ करते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए वीडियोस बनाए जाते हैं, जिसके अंदर आपको लगेगा कि ये जो पर्सन है यही बोल रहे हैं, और बट असेंशली ये कंप्यूटर के थ्रू जनरेट किया हुआ जाता वीडियो है। और एक पहले से आ रहे हैं, रशिया के जो प्रेसिडेंट उनका भी वीडियो आया था, वो भी फेक डिक्लेयर हो गया। एक्चुअली ये जेन्युइन नहीं लगे लोगों को वीडियो, क्योंकि ग्राफिक्स सही नहीं थे इसके, इसलिए इग्नोर हो गए। मगर आप अगर ध्यान रखें तो फ्यूचर में ऐसे वीडियोज़ आएंगे और आपको एकदम लगेगा कि ये कोई पॉलिटिकल लीडर है या कुछ कुछ कोई भी हो सकता है जिसने ये जेन्युइन मैसेज दिया है। तो बी वेरी केयरफुल ऑफ़ द सोर्सेज। प्लीज़ व्हाट्सएप से को सोर्स ऑफ डेटा ना मांगे, वो फॉरवर्डिंग मैकेनिज्म है, वहाँ से सच मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं होती। ओके, तो प्लीज़ मैसेजिंग साइट वेब और जो बहुत सारी फेक साइट्स बनती हैं वो उनसे केयरफुल रहें। ओके, इसके साथ साथ ये हुआ कि FBI और CISA ने US में वार्न किया है कि हमारे जो सैटेलाइट टेलीकॉम नेटवर्क्स हैं, सैटकॉम जिनको कहते हैं, उन पे अटैक आ सकता है। और गाइडेंस जारी किया है इन लोगों ने कि जो स्टैंडर्ड गाइडेंस होता है साइबर सिक्योरिटी में कि आप प्रॉपर्ली यूज़र आईडी पासवर्ड यूज़ करें, सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखें, क्या चेंजेस हो रहे हैं उनको मॉनिटर करें। ओके, अगर कुछ इशू हो जाए तो उसको अच्छी तरह हैंडल करें, और अगर आपकी एक साइड बंद हो जाए तो दूसरी चालू रहे, जिसको हम बिज़नेस कंटिन्यू कहते हैं। तो ये सब स्टैंडर्ड गाइडलाइंस होती हैं, इन्होंने जारी करी है, पर उनका है कि सैटकॉम पे अटैक आ सकते हैं। ओके, और वो बाकी नेटवर्क्स पे भी जा सकते हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भी यूक्रेन के साथ है या रशिया के साथ है, दोनों की एक दूसरे की पार्टीज़ हैं, हैकर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो अटैक कर रहे हैं, और टूल्स फ्री में अवेलेबल है हर जगह अटैक करने के लिए। तो ये टूल्स कोई भी उठा के कहीं भी यूज़ कर सकता है। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे अपने पिछली उसमें पॉडकास्ट में और यूट्यूब चैनल पे आपको स्क्रीनशॉट भी मिलेंगे। इसके अलावा क्या है कि एक नया मैलवेयर मिला है जो डेटा वाइपर है, एसेंशली सिस्टम को फॉर्मेट कर देता है। और ये थर्ड है, इसके पहले भी आ चुके हैं, हर्मेटिक वाइपर आया था, आइजैक वाइपर आया था, और हर्मेटिक वाइपर इनफैक्ट February 23 को आया था, एक दिन पहले। और ऑब्जेक्टिव क्या है, सिस्टम को फॉर्मेट कर दीजिए ताकि लोग ईमेल्स ना भेज पाएँ, काम ना कर पाएँ, मैसेज ना भेज पाएँ। और ये यूक्रेन की तरफ टारगेटेड है, सपोजिटली इसको रशिया के हैकर्स ने बनाया। ओके, इसी तरह एक रशिया का एक हैकिंग ग्रुप है, सैंडवॉर्म कहते हैं हम उसको। आप जैसे आपने नोटिस किया होगा कि बड़े प्रोजेक्ट्स के कुछ डिफरेंट नाम दे दिए जाते हैं, साइबर सिक्योरिटी में भी ऐसे ही होता है। सैंडवॉर्म करके एक ग्रुप है, APT ग्रुप कहते हैं, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट, यानी सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लेक्स अटैक्स, अगर सिंपल शब्दों में बोलूँ। इन्होंने एक स्पेसिफिक कंपनी है, उसके राउटर्स के अंदर कंट्रोल ले लिया है और उस पे बॉटनेट चला रहे हैं, यानी उस पे अपनी मन का सॉफ्टवेयर चला रहे हैं। बॉट यानी रोबोट का शॉर्ट फॉर्म, और बॉटनेट यानी रोबोट्स का नेटवर्क। तो थर्ड पार्टी डिवाइसेस पे, जो जैसे घर के अगर अभी राउटर्स हैं, इनको के कंट्रोल में ले रहे हैं और उस पे अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके किसी भी अटैक में यूज़ करें। तो आज की डेट में जो लास्ट डेटा मैंने रीड किया था, उनके पास कुछ 2000 राउटर्स हैं। ये नंबर बढ़ता रहेगा, कम होगा, अटैकर्स को ही पता होता है क्योंकि वही कंट्रोल कर रहे होते हैं। और ये अभी तक क्लियर से क्लियर अटैक में आए नहीं है, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि किन अटैक्स में इन्वॉल्व है राउटर। मगर डेफिनेटली ये राउटर्स इंडिया में हैं, इटली में हैं, US में हैं, कनाडा में हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में हैं। ओके, तो इस पर आई कीप ट्रैकिंग कि क्या चल रहा है। आई एम श्योर ये बॉटनेट को कहीं ना कहीं अटैक में यूज़ होगा। DDoS इज़ द मोस्ट कॉमन वे, या कई बार क्रिप्टो माइनिंग के लिए भी यूज़ होते हैं इस तरह के
राउटर्स या डिवाइसेस, क्योंकि इनमें दे आर इंडिपेंडेंट सिस्टम्स, दे आर जस्ट लाइक कंप्यूटर। उनका काम आमतौर पर नेटवर्क ट्रैफिक को राउट करना होता है या कनेक्टिविटी देना होता है, मगर है तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, आप उसको किसी भी मॉडिफाई करके आप उससे कोई भी काम करवा सकते हैं। ओके, उसके अलावा जो अटैक्स आए हैं वो कॉमन लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल हर किसी की वेबसाइट है और वर्डप्रेस एक बहुत कॉमन सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू वेबसाइट्स बनती हैं। तो ये एक रिसर्च आई जिसमें पता चला कि वर्डप्रेस में जो प्लगइन्स यूज़ होते हैं, जैसे आमतौर पर प्लगइन होगा सर्च इम्प्रूव करने के लिए या कोई फ्रेम बनाने के लिए, प्लगइन्स आमतौर पर अगर आपने वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाई है तो आपको पता होगा कि क्या होता है, कई बार एसईओ के भी प्लगइन्स होते हैं। ओके, तो उनमें क्या है कि वल्नरेबिलिटीज़ मिली हैं, कमज़ोरी मिली हैं, सॉफ्टवेयर अप टू डेटेड नहीं है। और वर्डप्रेस क्या है कि वर्ल्ड की 40% वेबसाइट में यूज़ होता है। आप देखिए करोड़ों वेबसाइट है, कुछ करोड़ों वेबसाइट में 40% में अगर होगा तो कितनी साइट्स को हैक किया जा सकता है। और करीब 60,000 प्लगइन्स फ्री में अवेलेबल हैं wordpress.org से, जो उनकी मेन वेबसाइट है, और थीम्स में भी हैं। और क्योंकि कोड डिफरेंट लोग लिखते हैं, उनके स्किल वो सिक्योरिटी को ध्यान नहीं देते, वो यूजिबिलिटी को ध्यान देते हैं, तो इसलिए वर्डप्रेस में इश्यूज़ हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप अपने सबसे पहले अपनी वेबसाइट की हमेशा कॉपी रखिए। आमतौर पर किसी भी सर्विस प्रोवाइडर जिस पर आप साइट होस्ट कर रहे हैं उनके पास बैकअप की सर्विसेज होती हैं, उनको सब्सक्राइब करिए, सिक्योरिटी इनेबल कर लीजिए उस पर जो भी फीचर्स दे रहे हैं, और अपने जो प्लगइन्स हैं उनको अप टू डेट रखिए। तो ये सबसे मोस्ट बेसिक साइबर सिक्योरिटी हाइजीन है, जैसे घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं ना, रोज़ लगाना ही लगाना है, वैसे ही है ये साइबर सिक्योरिटी में। आपको अगर वेबसाइट है और आपका बिजनेस इंपॉर्टेंट है, वेबसाइट की अगर डाउन होगी तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो प्लीज़ ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा एक रिलेटेड प्रोसेस एक है फायरबेस करके डेटाबेस होता है जो आमतौर पर मोबाइल ऐप्स में यूज़ किया जाता है। उसमें एक कंपनी को डेटा मिला है, वल्नरेबल डेटा, यानी कि एक्चुअली नॉट वल्नरेबल डेटा बट डेटाबेसेस आर वल्नरेबल, जिसके थ्रू लोग क्या कर सकते हैं, हैकर्स क्या कर सकते हैं कि जो मोबाइल डेटा वहाँ डेटाबेस पोस्ट कर रही है इंटरनेट पे, उनको उनसे वो डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि चैट कुछ जो रिसर्चर्स ने इंफॉर्मेशन निकाली कि लोगों की फैमिली फ़ोटोज़ थी, क्योंकि एक ऐप यूज़ कर रहे थे जिसमें फैमिली फ़ोटोज़ उन्होंने प्रोसेस करी थी, चैट मैसेजेस मिले, क्रिप्टो एक्सचेंज से डेटा कुछ मिला है। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट डाउनलोड किए उनकी वेबसाइट से, जैसे ये एक ऐप है जो एक साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट शॉपिंग चेन की ऐप है, उसमें करीब 10 मिलियन डाउनलोड है, यानी करीब 1 करोड़ डाउनलोड हो गए। और उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये डेटा है यूज़र्स का कि उनकी इंफॉर्मेशन है। ओके, उसके अलावा एक एप्लीकेशन है जो रनिंग ट्रैकर है कि आप कितना रोज़ दौड़ रहे हैं, और वो क्या कर सकती है अगर आप वो फायरबेस वाला डेटाबेस यूज़ करती है, और जो अटैकर्स अगर हैक कर लेंगे तो ट्रैक कर सकते हैं कि आप लोग रनर्स जो हैं वो कहाँ दौड़ रहे हैं, पूरा मैप बना सकते हैं। आप देखिए, मतलब अगर मैं सुबह दौड़ने जा रहा हूँ, किसी हैकर को बता कि प्रशांत कहाँ पे है, तो दैट्स रियली बैड, राइट? वो मेरी प्राइवेसी के अगेंस्ट है। ओके, एक डेटिंग एप्लीकेशन, उसमें जो सेंडर्स हैं अगर तो सेंडर्स की इंफॉर्मेशन है, तो अगर ये डेटाबेस हैक हो जाएगा तो सेंडर्स ने एक दूसरे को जो पिक्चर भेजी है वो मिल जाती हैं लोगों को। ओके, और इसी तरह से बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप ध्यान रखें, और जो मैं जो इस जो फायर ऐप डेवलपर्स उनको ध्यान रखना चाहिए कि कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज ना हो, प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट, क्योंकि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से हैकिंग होती है। ओके, ह्यूमन एरर सबसे बड़ा एरर होता है जिससे हैकिंग होती है। ओके, अगली न्यूज़ में मकाओ में कुछ होटल्स हैं, उनका गेस्ट डेटा हैक हो गया है, और ये एक्चुअली लास्ट दिसंबर में स्टार्ट हुआ था। इस ग्रुप को डार्क होटल कहते हैं, डार्क होटल APT, और इन्होंने किस तरह से किया कि इन्होंने प्रिटेंड किया कि वो मकाओ टूरिज्म ऑफिस से हैं, और उन्होंने ईमेल भेजी, और इस ईमेल का जो सब्जेक्ट था उसका लाइन थी पैसेंजर इंक्वायरी, और साथ में एक एक्सेल फाइल अटैच थी। तो अब गवर्नमेंट से अगर कोई मेल आएगी तो कोई भी नॉर्मल आदमी खोलेगा, और वो खोली सिस्टम कंट्रोल में चला गया हैकर्स के। तो इसी तरह से ये लोग ह्यूमन माइंड को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो आप प्लीज़ ध्यान रखिए, अगर आप होटल बिजनेस में किसी भी बिजनेस में हैं, अननोन फाइल्स अननोन सेंडर से ना खोलें, और एक बार ढंग से वेरीफाई कर लें सेंडर क्या है, ईमेल क्या है वगैरह वगैरह। चाहे तो गवर्नमेंट ऑफिसेज ना फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या अपने ग्रुप पीयर ग्रुप्स में पूछ सकते हैं कि आपको मेल आई है नहीं आई है, ठीक है? और अगर कर रहे हैं तो फिर ऐसे सिस्टम पे करिए जहां से आपको खतरा ना हो। ओके, एक और
न्यूज़ आई है उसमें यह है कि एटीएम जो होते हैं जिसमें पैसे निकालते हैं, और हैकर्स ने क्या किया है कि एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया है जिसके थ्रू वो एटीएम में इंस्टॉल करते हैं, और एटीएम में भी सेम मतलब डिफरेंट ऑफ टाइप वेर वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने एटीएम के अंदर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। और वो सॉफ्टवेयर क्या करता है कि आपके जो पिन्स हैं और जो आपके जो भी कार्ड के अंदर डेटा रहता है एटीएम कार्ड के अंदर, वो सारा स्टील कर सकता है और विड्रॉल भी कर सकता है कैश का। तो प्लीज़ अगर आप एटीएम मशीन्स पे जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि वो मशीन्स में कोई इशूज़ तो नहीं दिख रहे हैं आपको, मतलब कहीं किसी कुछ खुला हुआ वगैरह तो नहीं है। आप अपनी तरफ से कंट्रोल कर जितना वॉचफुल रह सकते हैं प्लीज़ रहिए। ऑफकोर्स बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए इसमें, होती भी है, मगर आप जितना अपनी तरफ से केयरफुल रहेंगे आप हेडेक से बचेंगे। ओके, एक घोस्ट क्रिंज नाम का एक रैट मिला है। रैट होता है रिमोट एक्सेस ट्रोजन या रिमोट एक्सेस टूल। वो क्या करता है, वो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा और आपके सिस्टम की पूरी रिमोट एक्सेस रहती है और पूरा उसको एक्सेस रहेगा। तो एसेंशली क्या होता है कि अगर किसी पे स्पाइंग करनी है तो ये रैट बड़े यूज़ होते हैं। लोग चुपचाप डेटा कलेक्ट करते हैं और या हैकर्स डेटा कलेक्ट करते हैं और अपने पर्पस के लिए उसको यूज़ कर देते हैं, विच कुड बी सेलिंग और एक्सप्लॉयटेशन एक्सटॉर्शन। और ये स्पेसिफिक डेटाबेसिस के लिए एप्लीकेबल है, और ये यूज़र नेम पासवर्ड कलेक्ट करता है और पूरा सेंट्रली एक सर्वर से कंट्रोल होता है, जिसका हम आमतौर पे कमांड एंड कंट्रोल सर्वर कहते हैं। ठीक है, तो जैसे पीछे कोई बैकएंड में बॉस बैठा हुआ है और वो कंट्रोल कर रहा है, ओके इस मशीन पे ये सब इंस्टॉल हो गए हैं तो अब मैं क्या करूँगा, इस सिस्टम से ये कैप्चर करूँगा, इसका यूज़र नेम पासवर्ड, इसकी इमेजेस एक्सेट्रा, और फिर वो डंप कर सकते हैं। और सिस्टम क्या कर सकता है, फॉर्मेट भी कर सकता है। कई बार सॉफ्टवेयर इस तरह से रैट कॉन्फिगर्ड होते हैं कि स्पेसिफिक एप्लीकेशन करेंगे, जैसे आपके स्काइप का डेटा कैप्चर कर लेंगे, स्काइप पर क्या कॉल कर रहा है, या आप के टीम्स का या गूगल चैट का कुछ भी डेटा वो कैप्चर कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर को कॉन्फिगर किया जा सकता है इस तरह से। ओके, और इसके अलावा रैट नए नए हैं, कई मैलवेयर में ये सारी फंक्शनैलिटी होती है, डिपेंडिंग ऑन कि किसने लिखा है, कितना स्मार्ट है वो अटैकर, और आमतौर पे डेटा अवेलेबल होता है, ये मतलब सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं ख़रीदने के लिए, और कई बार फ्री में भी मिल जाते हैं जैसे साइबर वॉरफेयर के अंदर मिल रहे हैं आजकल। एक्विजिशंस पे आते हैं तो सेंट्रल वन नाम की कंपनी ने एक कंपनी एटिवो नेटवर्क जो डिसेप्शन टूल्स बनाते हैं उनको ख़रीदा है कुछ 616 मिलियन में। डिसेप्शन क्या होता है, फेक नेटवर्क्स होते हैं, तो डिसेप्शन टेक्नोलॉजीज़ का काम होता है कि वो एक फेक नेटवर्क बना देंगे और हैकर्स अगर आपके नेटवर्क में इंफ्रास्ट्रक्चर में घुसते हैं कंपनीज के, तो उन्हें लगेगा कि अरे वाह, मैं तो कस्टमर के रियल एनवायरनमेंट में हूँ और ये डेटाबेस है और मैं इसको चुरा सकता हूँ। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप अटैकर्स की टेक्निक्स को स्टडी कर सकें। मैं एक बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने घर में एक फेक तिजोरी बना दी और उस तिजोरी में कोई चोर आता है और आपने ऊपर कैमरे लगा रखे हैं, आप देख रहे, अरे वाह ये तो इस तिजोरी को ही ढूंढ रहा है, तो और आपने एक नकली हार रखा हुआ है वहाँ पर, तो आप पैटर्न स्टडी कर सकते हैं कि चोर आपके एक बड़े घर में क्या ढूंढने आ रहे हैं। ओके, तो कई बार तो वो स्पेसिफिक चीज़ें ढूंढने आएंगे, कई बार रैंडम चीज़ें ढूंढने आते हैं। हैकर्स आमतौर पे स्पेसिफिक चीज़ें ढूंढने आते हैं, बिकॉज हैकिंग आसान नहीं होती, बहुत टाइम लगता है, तो वो स्पेसिफिक चीज़ें सर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद। ओके, और डिसेप्शन टेक्नोलॉजीज इसी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। एक अच्छी चीज़ हुई है कि NIST करके एक बॉडी है US में, उन्होंने एक पब्लिकेशन निकाला है जिसका नंबर है SP 1810, और ये क्या है कि गाइडलाइन और बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, यानी जो भी लोग कुछ गुड्स बना रहे हैं, जैसे हमारे लिए कोई तेल बना रहा है, आटा बना रहा है, कुछ किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग, जूते की मैन्युफैक्चरिंग, एसेंशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी कैसे अप्लाई होनी चाहिए ये डॉक्यूमेंट बताता है। तो आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ों के बारे में बेस्ट प्रैक्टिस आई हैं। ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा है, आई थिंक हम सबको अपनी कंट्री में ये अडॉप्ट करना चाहिए, एंड आई एम श्योर लोग करेंगे भी, जो साइबर सिक्योरिटी सेंसिटिव कंपनीज़ हैं वो ये ज़रूर करेंगी। और मेरी लिस्ट में, क्योंकि अभी 2 दिन मिला है तो मैंने लिस्ट में डाल लिया, इसको पढ़ेंगे। सेम टेक अवेज, फाइनली प्लीज़ ट्रस्टेड और पॉपुलर सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल करिए। ईमेल अटैचमेंट जो आप नहीं एक्सपेक्ट करें मत खोरिए। क्रैक पायरेटेड सॉफ्टवेयर मत
लीजिए, सॉफ्टवेयर को अपडेट रखिए और हमेशा पढ़ते रहिए, बिकॉज लर्निंग इज़ फन एंड लर्नर्स आर दी बेस्ट लर्नर्स। विद दैट थैंक यू सो मच, आई सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। आई एम थैंकफुल टू माई सोर्सेज टू।